सबसे बड़ा दोष है शिव महापुराण में, एक दोष बताया है, शिव की निंदा सुनना, शिव की निंदा करना, शिव भक्त की निंदा करना और शिव भक्त की दुनिया का किताबी पुण्य इकट्ठा कर लो, अच्छे अच्छे वेद और शास्त्र पढ़ लो, अच्छे अच्छे पुराणे पढ़ लो, कितने बड़े भी विद्वान से विद्वान तुम बन जाओ, कितने बड़े भी प्रचंड तुम विद्वान से विद्वान बन जाओ और कितनी बड़ी भक्ति तुम धारण कर लो, शिव पुराण कहती है, शंकर भगवान की उमा संहिता कहती है, शिव महापुराण वर्णन करती है कि शंकर की निंदा करने वाला, शंकर की निंदा सुनने वाला, शिव भक्त की निंदा करने वाला, शिव भक्त की निंदा सुनने वाला, ये कितना भी पुण्य कर ले और कितना भी गौ दान, अन्न दान, वस्त्र दान, स्वर्ण दान, मुद्रा दान, कन्या दान, जितना कर सकता है कर ले, उसके बाद भी इसको 94 तरह के नरकों में भुगतना ही पड़ेगा। ये कितना भी दान कर ले, कितना भी, कोई अगर कुछ बोल रहा है, कोई कुछ कह रहा है, आपके मोबाइल पर मैसेज आ गया, फेसबुक पर कोई मैसेज आ गया, शंकर की निंदा था, शिव भक्त की निंदा था, शंकर के उपासक निंदा था, शंकर की कथा निंदा था, आप उस पर कोई कमेंट मत करो, और करना है तो सही जवाब दे दोगे कि ये सिद्ध कर दे कि तू की औलाद है। शंकर भगवान की निंदा भगवान विष्णु ने सुनी थी जब देव ऋषि नारद ने जाकर कहा, महाराज जिस कामदेव को शंकर भगवान नहीं जीत पाए उस कामदेव को देव ऋषि नारद ने जीता है, केवल एक शब्द भगवान विष्णु ने सुन लिया था और भगवान विष्णु की आंख से जल झलक गया। लक्ष्मी जी आप तरफ खड़े होंगे, नारायण आप रो रहे हो, आज त्रिलोकी का नाथ, आज भगवान विष्णु लक्ष्मी के स्वामी जगत के पालनहार आज रो रहे हैं। भगवान कहते हैं लक्ष्मी आज मुझे रोना पड़ रहा है क्योंकि इन कानों ने शंकर जी की निंदा सुन ली है। लक्ष्मी जी बोलती है तो इससे होगा क्या, क्या होगा? लक्ष्मी तू नहीं जानती शंकर की निंदा सुनी है इसलिए मुझे पशु की योनि में जाना पड़ेगा या मेरा सिर कटकर पशु का सिर लगेगा। जो निंदा कर रहा है इसको भी पशु का सिर लगेगा और जो सुन रहा है उसको भी लगेगा। मैं इतने बड़े सिंहासन पर बैठने वाला, वैकुंठ के सिंहासन पर बैठने वाला, मैं नारायण, मैं स्वर्ग का आधिपत्य रखने वाला, मैं लक्ष्मी, तू मेरे संग रहने वाली, वैकुंठ के रहने वाले इस नारायण को भी सिर कट कर पशु का सिर लगेगा लक्ष्मी, क्योंकि मैंने निंदा सुन ली है। और वही हुआ, नारद जी ने निंदा करी तो उनको बंदर का मुख लगा, ये रामचरितमानस में लिखा है, विष्णु पुराण में लिखा है। और भगवान विष्णु ने निंदा सुनी इसलिए लक्ष्मी जी का श्राप लगा, सिर कटा, कटकर घोड़े का मुंह लगा, हाई गरीब अवतार लेना पड़ा भगवान विष्णु को। केवल एक जरा सी शंकर भगवान की निंदा सुनी थी और सिर कटकर घोड़े का मुंह लगना पड़ा। हम शंकर की निंदा सुनते नहीं है, पुराण की निंदा सुनते नहीं है, पुराण की निंदा हम करते नहीं है, शिव की निंदा हम करते नहीं है। आज तो कर दिया, आप बन सके तो रहो नहीं तो वहां से हटते चले जाओ। जो निंदा करता है उसके पास देखना ही नहीं, उठो वहां चल दो। कोई के शंकर जी के पुराण में क्या है, शिव पुराण में क्या रखा है, जल चढ़ाने से क्या होगा, ये करने नहीं, आपका विश्वास नहीं आप बिल्कुल मत करिए। पर जिसका विश्वास है वो दिल से अगर करता है